अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पर हमारी मम्मा नाश्ता बनाने वाली हैं। हमने यहाँ पर कुछ नट्स लिए हैं, अब उनको हम क्रश करेंगे। क्रश, आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वीडियो लेट क्यों होती है, क्योंकि टाइमिंग आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुई हुई है। मुझे कोई भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलता ताकि मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर सकूं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी ये मेरी मम्मा अभी फिर क्रश करनी है। ये देखिए, आपने नट्स को इस तरह क्रश करते जाना है। वैसे तो आप क्रशर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मोटे मोटे पीसेस चाहिए, तभी हमने इसको नाइफ से क्रश किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं और मेरी वीडियो वॉच करते हैं, कांडी मेरी वीडियो को ज़रा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते जाए। अभी यहाँ पर हमने ब्रेड के किनारे काटती हैं और इसके ऊपर चॉकलेट सिरप लगा दिए। वैसे हमारे पास स्ट्रॉबेरी सिरप भी है, और अभी ये हम इसको पूरी तरह जैसे ऐसे नाइफ से काटें। अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम नट्स। आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं और स्ट्रॉबेरी सिरप भी डाल सकते हैं, न्यूट्रेला भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप डालें। आपके बच्चे जो कहें तो आप उनकी मर्जी की बना के दे दें। हमें तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छा लगता है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। अब इसमें अभी हमने 4 पीसेस कट कर लिए हैं और इनके नीचे नट्स लगा दिए हैं। यहाँ पर अब मेरी मम्मा लंच की लंच तैयार करने वाली। अभी मेरी मम्मा ने एग तोड़ा है, अब उसके ऊपर वो मसाला डाला है। यहाँ पर आने भी हमने उसको उठाया था। अब यहाँ हमने थोड़ा सा देसी घी डाला है और उसके ऊपर एग डाल दिया है। अब ये देखें, हमने 2 पीसेस ब्रेड के काटे हैं और उसके अंदर अंडे एग लगा दिए। एग लगा के उसका सैंडविच बना दिया। देसी घी बहुत ज़्यादा हैवी होता है, वैसे मुझे इसकी स्मेल नहीं पसंद। अभी हम काट रहे हैं 4 पीसेस में और यहाँ पर लंच रेडी होने लगा है। अभी मम्मा चीज़ें डालनी है इसके अंदर, तो सैंडविच डाले हैं और एक वो कॉर्न वाली चॉकलेट डाली है और ये पापड़ डाले हैं, क्रैकर्स डाले हैं। अब एक तो इधर डाला है क्रैकर। मुझे तो वेजिटेबल नहीं पसंद, लेकिन हानु खाता है, हानु को दिए थे। अब ये मेरा लंच रेडी होने लगा है। सेम थिंग्स है जैसे रूहान की थी। आप इन बच्चों को लंच में जितनी ज़्यादा वैरायटी देंगे उतने ज़्यादा बच्चे शौक से खाएंगे। मैं तो अपने लंच बहुत पसंद आते हैं।
ये हमारे नट्स रेडी हो गए और अभी हम स्टेयर से नीचे उतरे और आज हनुमान का मूड देखे कितना अच्छा है, क्योंकि आज इसका येलो कलर डे था। यहाँ पर ओके गाइस, यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड होता है। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।